बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो इस टाइम हम लोग मौजूद हैं मंसरा के वन ऑफ द मोस्ट फेमस लग्जीरियस एंड लाइट फूड पॉइंट पे। बेसिकली खान कॉन्टिनेंटल की बात करें तो यहाँ पे जो है आजकल इनकी स्पेशल ऑफर्स चल रही हैं, जिनको हम लोग भी अवेल करने वाले हैं और इनके जो है मोस्ट टेस्टी फूड को रिव्यू भी करने वाले हैं। तो चलते हैं अभी अंदर, आपको भी दिखाते हैं कि खान कॉन्टिनेंटल की क्या वाइब्स हैं। तो चले मेरे साथ अंदर। सो गाइस, आ जाएं खान कॉन्टिनेंटल में। तो सबसे पहले अगर हम लोग इंटर करते हैं खान कॉन्टिनेंटल में, तो आपको यहाँ पे लॉबी मिल जाती है, क्योंकि खान कॉन्टिनेंटल होटल भी है, रेस्टोरेंट भी है, तो इसलिए यहाँ पे हमें लॉबी मिल जाती है। तो अगर एम्बियंस की बात करें तो यहाँ पे फुली फर्निश एंड कम्फर्टेबल इन्वायरमेंट आपको दी जाती है, क्योंकि लॉबी जो है एक होटल की अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह होती है, जहाँ पर आके आप बैठ सकते हैं। और ये देखें, यहाँ पे आपको फुली फर्निश जगह मिलती है, कंफर्टेबल सोफा। तो वो सामने इनका रिसेप्शन है और ये इनकी सारी लॉबी है। तो अभी हम लोग खान कॉन्टिनेंटल के रेस्टोरेंट के अंदर एंटर हो रहे हैं। बेसिकली जो लॉबी है वो ग्राउंड फ्लोर पे है और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर इनका रेस्टोरेंट है। तो रेस्टोरेंट के अंदर एंटर होते ही हमें यहाँ पे सबसे पहले इनका एम्बियंस नज़र आता है और यहाँ पे सिटिंग एरिया है। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ। अगर एम्बियंस की बात करें तो खान कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट हमें बहुत ही कंफर्टेबल प्लेस देता है। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप लोग जो हैं फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी आ सकते हैं। अगर आपका कोई स्पेशल ओकेजन हो, बर्थडे हो, मैरिज पार्टीज हो, तो यहाँ पे आपको हर किस्म की डेकोरेशन के साथ मिल जाता है। सो गाइस, खान कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट और होटल के साथ शिनवारी भी है, तो इसलिए एज अ शिनवारी अगर आप किसी भी शिनवारी होटल पे चले जाएं तो वहाँ पे इस तरह आपको सिटिंग एरिया मिलता है। तो मुझे तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि खान कॉन्टिनेंटल इतना अच्छा सिटिंग एरिया दे रहा है। तो ये देखें, यहाँ पे अगर आप आएँ तो शिनवारी की स्पेशल यहाँ पे बैठने के लिए जगह दी गई, जैसे हमारी ट्रेडिशनल बैठक्स होती हैं जहाँ पे सारे मिल के बैठते हैं, तो इस तरह का यहाँ पे इन लोगों ने इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया हुआ है। बहुत ही इनका एम्बियंस बहुत ही खूबसूरत है। तो चलते हैं, हम लोगों ने होटल तो देख लिया है और एम्बियंस भी देख लिया, अब इनका फूड रिव्यू करते हैं। तो चले मेरे साथ अब इनका फूड रिव्यू करते हैं और मेन्यू इनका चेक करते हैं। और एक और स्पेशल बात कि यहाँ पे आजकल जो है सेल लगी हुई है, ओवरऑल फूड पे भी लगी हुई है और इनकी स्पेशल ऑफर्स भी चल रही हैं। अगर आप अब आएँ तो आपको स्पेशल ऑफर्स मिल जाती हैं और इनकी फूड रिव्यू के बाद आपको दिखाएंगे कि फूड कैसे है इनका। थैंक यू। सो गाइस, ये हम लोगों ने खान कॉन्टिनेंटल का मेन्यू हमें मिल चुका है। ये खान कॉन्टिनेंटल का मेन्यू है, तो यहाँ पे ओवरऑल आपको हर किस्म का जो है फूड मिल जाएगा। स्टार्टर्स हैं, सैलड है, सूप है, बारबेक्यू है, और जैसे मैंने आपको बताया था शिनवरी है, क्राही आइटम्स हैं, मतलब ट्रेडिशनल इंटरनेशनल आपको हर किस्म के खाने यहाँ पे स्पेशली मिल जाते हैं। पिज़्ज़ा है, डेजर्ट्स हैं, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल। लेकिन आज हम लोग ट्राई करने वाले हैं इनका स्पेशल सेवर पुलाव, क्योंकि हम लोगों को तो ये पता है कि सेवर पुलाव जो है या सेवर का अच्छा होता है या भन्नो पुलाव अच्छा होता है, लेकिन आज हम लोग खान कॉन्टिनेंटल का पुलाव ट्राई करने वाले हैं। तो चलें ऑर्डर करते हैं। सो गाइस, ये देखें यहाँ पे हमारा फूड आ चुका है। सो गाइस, तो चलें अब हम लोग इसको रिव्यू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले ये देखें यहाँ पे हमें सैलड मिल जाता है, चिकन है, यहाँ पे शामी कबाब हैं और साथ में ये रायता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल जो है बहुत ज़्यादा गर्म है और फ्रेश बने हुए हैं, और क्योंकि मैंने सेवर का पुलाव भी ट्राई किया हुआ है रावलपिंडी में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर यहाँ पे मंसरा में सेवर नहीं है तो उसके मुकाबले में खान कॉन्टिनेंटल आ चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त,
बहुत अच्छा है। अभी हम लोग शामी कबाब के साथ ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गैस ये देखें, ये इनका चिकन है। बेसिकली ये स्पेशल रोस्ट हुआ चिकन इसमें डलता है। ये आप देख सकते हैं कितना टेंडर है और अंदर से कितना जूसी है। ये दिखाओ, ये देखें कितना जूसी है। और ये इनके राइस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। चलिए मैं फिनिश करता हूँ। और अगर रेटिंग की बात करें तो इसे मैं 10 में से 9 दूंगा, क्योंकि ओवरऑल इनकी रिप्रेजेंटेशन, फूड हाइजीन ओवरऑल ज़बरदस्त है। मुझे तो बहुत पर्सनली रेफ़र करता हूँ, आप ज़रूर रहें, ज़रूर ट्राई करें। और इस पर जो है 50% ऑफ भी लगा हुआ है, तो आपको ये अच्छी प्राइस में मिल जाएगी। और क्वांटिटी की बात करें तो बहुत अच्छी क्वांटिटी मिल जाती है, 2% ईजीली खा सकते हैं इसको। सो गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अपना डिनर बिल्कुल फिनिश कर दिया है। अगर ओवरऑल फूड की बात की जाए और साथ में सर्विसेज की बात की जाए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ उनसे। और मंसरा में अगर बात की जाए, इस तरह के रेस्टोरेंट्स हों, और मतलब लग्जरी रेस्टोरेंट्स हों, एलाइट रेस्टोरेंट्स हों, और उनमें सर्विसेज भी इतनी अच्छी मिल लें तो बहुत मुश्किल है। तो भाई आपका नाम क्या है? फैसल। तो फैसल भाई, स्पेशल थैंक्स टू यू कि इतनी अच्छी आपने हमें सर्विस प्रोवाइड की है, इतने अच्छे तरीके से आपने हमें वेलकम किया, और ओवरऑल आपने हमारा बहुत ज़्यादा आपने हमारा ख्याल रखा बहुत अच्छे तरीके से। तो हम लोगों ने बिल पे कर दी है, और फूड भी आपका बहुत अच्छा है, क्वांटिटी भी बहुत अच्छी दे रहे हैं आप लोग, और ऊपर से आप डिस्काउंट भी दे रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। आपने वैसे इससे पहले काम पे मतलब किए? सर मैं वैसे ना जी बिल्कुल बहुत फ्रेंडली आप, थैंक्स अ लॉट, और बहुत शुक्रिया। तो चलिए अभी हम लोग चेकआउट करते हैं। हम लोगों ने इनका सर्विस भी अवेल कर दी है, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। इनका फूड ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। रेटिंग पहले 9/10 दी थी, अब 10/10 देनी पड़ रही, क्योंकि बहुत अच्छा है इनका सब कुछ। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगा एक अलग वीडियो के साथ, एक और फूड रिव्यू के साथ। अभी के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।